सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड कंप्लीट हो चुका है, अब जो राउंड थर्ड आने वाला है बेसिकली सुपर न्यूमरी कोटा वाला, इसमें जैसे स्पोर्ट्स वाला ECA NCC और साथ साथ आपका CW और जितने भी आपके कोटाज होते हैं, अब वो किस तरीके से वहां पर आपकी सीट एलोकेट होगी, उससे रिलेटेड क्या आपके अपडेट्स आते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे आपका जो ऑलमोस्ट एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने आज स्पेशली DU की टी शर्ट भी पहनी है ताकि आपको और ज्यादा मतलब की थोड़ी पावर मिले, क्योंकि अब फाइनल आने वाला है, फाइनल मैच है इस बार आपका, फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी स्पोर्ट्स ECA जो भी सुपर न्यूमरी आपका कोटा है, और आपका जो एडमिशन है वो भी कंफर्म हो जाएगा। जैसे हमने प्रॉमिस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका साथ देंगे, सारी काउंसलिंग प्रोसेस में, प्रिफ्रेंस शीट में, हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे, तो हम आपकी हेल्प करते आए हैं। और जिन भी बच्चों की, जिन भी कैंडिडेट्स की हमने हेल्प की है, तो उनका एडमिशन भी कंफर्म हो गया। काफी बच्चे थैंक यू का मैसेज भी कर रहे हैं, उनको मैं सामने से वेलकम भी बोलता हूं। एंड यस, आप अपनी जो जर्नी है उसको एंजॉय करो। चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो आपका स्पोर्ट्स कोटा ECA कोटा मतलब इनकी जो लिस्ट है वो किस तरीके से आएगी और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखो, अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई सीट एलोकेट हुई थी और फिर आपको राउंड आपने अपग्रेड कर दिया, राउंड सेकंड में आपको सीट एलोकेट होगी, तो उसको फ्रीज कर देना, फिर आप एलिजिबल रहोगे जो भी आपका सुपर न्यूमरी कोटाज लिस्ट आएंगी उनके लिए। और अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई सीट एलोकेट नहीं हुई और राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट होगी, तो उसको भी एक्सेप्ट करके फ्रीज कर देना, तभी आप जो भी आपका सुपर न्यूमरीज कोटाज हैं उनके लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये आपका सिंपल सा मतलब कि एलिजिबिलिटी का प्रोसेस रहते हैं। अब आपका जो ये सुपर न्यूमरी कोटाज है, इनकी लिस्ट किस तरीके से लाई जाएगी, देखो अगर अभी तक किसी बच्चे को किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं मिला है, तो वो भी एलिजिबल है स्पोर्ट्स राउंड के लिए, अगर उसने अप्लाई कर रखा है तो। अब देखो, आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड किए थे, उनके मार्क्स आपको शो हो गए हैं, बेसिकली जो स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट्स थे उनको तो मतलब कि उनके CSAS पोर्टल पर ही शो हो गए थे, और जो ECA वाले कैंडिडेट थे उनको बेसिकली वहां पर जब वो ट्रायल देने गए वहां पर उनको मार्क्स बता दिए गए थे, और जो NCC वाले स्टूडेंट थे उनके लिए प्रॉपर लिस्ट बना दी गई थी, उनको वहां पर शो हो गए थे, और CW वाले जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एलिजिबल एलिजिबल वाली लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। बाकी जितनी भी लिस्ट है, जो भी अपडेट है, वो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आपको टाइम टू टाइम सब चीज बताता रहता हूं, तो वहां पर जरूर आप कनेक्ट हो जाना। बाकी आपका पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी जर्नी जो रहेगी 3 साल की, उसके उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा, तो तब भी आप वहां पर जाकर मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाना, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी आपने सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच। चलो अब हम बात कर लेते हैं, तो इनकी मतलब कि आपको मार्क्स, जो सर्टिफिकेट के मार्क्स है, वो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के क्या हो चुके हैं आपको मतलब कि बता दिए गए हैं, बस आपका जो CW कैटेगरी है उसके मार्क्स रहते हैं सर्टिफिकेट के, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे बाकी फाइनल लिस्ट में। अब देखो, आपको सर्टिफिकेट के मार्क्स हो गए, आपका CUT का स्कोर हो गया, सबसे पहले आपका CUT का स्कोर, फिर आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स, और लास्ट में आपके आ जाएंगे ट्रायल्स के मार्क्स। तो स्पोर्ट्स के और ECA के ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ट्रायल्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एक दो जो ट्रायल रह गए वो भी मतलब कि कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो जो ट्रायल्स के मार्क्स होंगे वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, वैसे पासिंग मार्क्स तो बस स्पोर्ट्स में आते हैं आपके, बेसिकली स्पोर्ट्स में आपको 400 में से मिनिमम 200 मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप क्या माना जाओगे, एलिजिबल माने जाओगे। बाकी जितने भी मार्क्स आपके आए हैं उसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका CUT स्कोर होगा उसका 25% निकाला जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका 100 मार्क्स है CUT स्कोर में, तो 25% ले लिया जाएगा उसका 25 मार्क्स, और जो यहाँ पर आपके ट्रायल्स और मतलब जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके भी 25% मार्क्स ले लिए जाएंगे, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके उससे 25%, 200 में से मार्क्स मिले बेसिकली सर्टिफिकेट में आपको स्पोर्ट्स और ECA में से और स्पोर्ट्स में, और जो आपके ट्रायल्स के मार्क्स होंगे वो आपके 400 में से मार्क्स हैं, और उसमें से क्या ले लिया जाएगा, 50% आपका ले लिया जाएगा। तो ये 25 और 50% इनको मिला के आपको 100% जो मार्क्स हैं वो आपके मिलेंगे। अब आपको कितने भी मार्क्स मिले, आपको 400 500 600 जितने भी आपके टोटल मार्क्स मिले हैं उनके हिसाब से आपकी क्या बनाई जाएगी, उनके हिसाब से आपकी बनाई जाएगी कट ऑफ लिस्ट, मींस आपकी क्या बनाई जाएगी, एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जहां पर आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, सामने आपकी कैटेगरी होगी ECA स्पोर्ट्स, किस कैटेगरी से आप हो, किस गेम से आप हो, और उसके सामने आपका CUT मतलब बेसिक जो आपका न्यू स्कोर बना है, CUT स्कोर प्लस सर्टिफिकेट्स प्लस ट्रायल्स, इनका स्कोर बना है। बाकी जो CW कैटेगरी और NCC के स्टूडेंट है, बस उनका CUT स्कोर और जो सर्टिफिकेट है उनके मार्क्स कैलकुलेट हो गए, उनकी क्या बनेगी, एक प्रॉपर कट ऑफ बनेगी। अब इस लिस्ट में जिनका स्कोर हाई होगा उनको हाइयर प्रिफरेंस पे रखा जाएगा, और जिनका स्कोर लो होगा उनको लो प्रिफरेंस पे रखा जाएगा। अब एग्जांपल, किसी स्पोर्ट्स में 10 सीट्स आती है, मतलब 10 सीट्स आती है किसी कॉलेज में फुटबॉल की, तो वहां पर अगर 50 बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, तो इनमें से 50 बच्चों में जिनका टॉप क्या होगा, टॉप 10 बच्चों का स्कोर होगा, उनको ये 10 सीट्स दे दी जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां से सिर्फ 8 बच्चे ऐसे हैं जो इस 10 सीट्स के लिए एलिजिबल है, तो 8 सीट्स फिल कर दी जाएंगी,
दो सीट्स फिर भी खाली रह जाएंगी, मींस आप एलिजिबल भी होने चाहिए। और साथ साथ जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अपनी प्रीफ्रेंस शीट में, वो कॉलेज होना चाहिए जिसमें वो सीट्स भी अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी आपका सीट मैट्रिक्स आता है स्पोर्ट्स ECA और NCC सब कुछ से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो आएगी। बाकी अभी तक आपने को अगर कोई कॉलेज मिला है तो उसको एक्सेप्ट करके फ्रीज कर लेना, तभी आप एलिजिबल रहोगे किस चीज़ के लिए, अपना जो भी स्पोर्ट्स और ECA का राउंड है उसके लिए एलिजिबल रहोगे। फिर देखो क्या होगा, अब आपकी लिस्ट आ गई, लिस्ट आपको पता चल गया किस तरीके से नाम आएगा, उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा और लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो आपके CSAS पोर्टल पर वहाँ पर शो हो जाएगा कि आपको ये वाली सीट एलोकेट करी गई है, या फिर आप लिस्ट में से नाम ढूंढ लोगे, वहाँ पर आपको क्या होगा एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स वाली या फिर मतलब मैं अगर स्पोर्ट्स बोलता हूँ तो समझ जाना सुपरन्यूमरी कोटा सबके लिए बात कर रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स फ्लो में निकल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स वाली सीट को एक्सेप्ट कर लोगे, सुपरन्यूमरी कोटा वाली सीट को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली जो पिछले जनरल राउंड्स में अगर आपको कोई सीट मिली होगी तो वो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी और ये फाइनल ये वाली सीट आपकी क्या हो जाएगी कन्फर्म हो जाएगी। और इस जो कोटाज होते हैं उनमें भी बेसिकली दो लिस्ट निकाली जाती है, फर्स्ट लिस्ट आपकी होती है जहां पर आपके फर्स्ट एडमिशन मतलब कि फर्स्ट राउंड होगा और फिर आपका जो सीट बच जाती है उस पे सेकंड राउंड किया जाता है। वैसे इसमें बहुत रेयर चांस होते हैं कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम आए, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% सीट्स 99 मान सकते हो 99% सीट्स फर्स्ट राउंड में ही क्या कर दी जाती है फिल कर दी जाती है। बाकी वहां पर भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, अपग्रेड करके आप सेकंड सीट में अगर आपको कोई सीट अपग्रेड होकर मिलती है, अगर उस कॉलेज में सीट अवेलेबल होगी वैकेंट होगी और आप एलिजिबल भी होगे तो आपको अपग्रेड होकर सीट मिल जाएगी। सभी कोटाज के लिए यही आपका रूल लगता है। तो इस तरीके से आपकी स्पोर्ट्स की मतलब कि सुपरन्यूमरीज कोटाज की लिस्ट आएंगी, वहाँ पर भी आप जनरल राउंड की तरह आपको सीट एक्सेप्ट फीस और अपग्रेड करना होगा। इस तरीके से आपका ये क्या रहेगा पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका रहेगा। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा। बाकी मैंने स्पोर्ट्स राउंड और मिड एंट्री किस तरीके से होगी उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, और 29 अगस्त को आपको क्या करना है, जाना नहीं जाना स्पोर्ट्स वालों बच्चों के लिए, उनके लिए भी मैंने बताया हुआ। बाकी अगर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया चाहे वो किसी भी कोटा से हो तो आप कॉलेज में जा सकते हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड यस इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर जो भी मतलब कि अपडेट आता है वो मैं टाइमली वहाँ पर अपडेट बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी लेट बनती है और मतलब कि वीडियो में जब सारा प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा मैं थोड़ा लेट ही बनाता हूँ। जितने भी मतलब आपने देखा होगा जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं एकदम वीडियो आ जाती है, मैं थोड़ा लेट बनाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा और एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग में सोचो। और मतलब किसी चीज़ को लेके मैं आपको ये थोड़ा सा बता भी देता हूं, किसी चीज को लेके एकदम से रिएक्ट मत करो कि लिस्ट आ गई है तो एकदम से देखना शुरू कर दो, एलोकेशन हो गया तो एकदम से देखना शुरू कर दो। अगर उसका मान लो दो दिन का टाइम है तो आप दो घंटे बाद भी देखोगे तो चीज वही रहेगी, बस आपका ये रहेगा। फिर अगर साइट नहीं चल रही तो आप माइंड में ना बहुत अजीब अजीब चीजें ओवर थिंक करने लगता है बंदे, तो रिलैक्स होकर करो। लाइफ अभी बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत चीजें देखनी है, तो आराम आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पेशेंस रखो हर चीज में, ये सब कुछ आपका रहता है। बाकी हर चीज में हम आपको गाइड करते रहेंगे, एंड रिजल्ट आपको बताइए मैसेज कि यहाँ पर क्या लगाने, वो तो रिजल्ट आपको मतलब स्माइल से और यहाँ पर लोगों से पता चल ही जाएगा। काफ़ी अच्छे मतलब बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा है, हमारी जो गाइड हमने जो गाइड किया था पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है। बाकी ये सब कुछ हमारा रहता है इस वीडियो के लिए, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।